चीता भेजा वहाँ पे। चीता जब आया तो चीता के सामने ही वो बड़ी बदतमीजी से बात करने लग गए। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस सारे जो वहाँ पे वारदात हुई है मेरे साथ, उसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इस प्रकार की गुंडागर्दी, वो कह रहे हैं जिससे जो हो सकता है वो करे, इस प्रकार की बातें सर। कोई अगर छात्र संघ अध्यक्ष कर रहे हैं तो छात्र संघ अध्यक्ष नहीं, वो गुंडा है। प्रयास किया होगा ये भी मुझे लगता है कि वो बचाव कर रहे थे, लेकिन जब आपको पता है आप किसी उद्देश्य के साथ किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो आप उसमें अपराधी होते हैं, क्योंकि उद्देश्य के साथ किया गया कोई किसी भी मामले में बुरा उस व्यक्ति को लगता है जो उसमें लिप्त हो या जिसके द्वारा उस गलत चीज का साथ दिया जा रहा हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो। सड़क का मामला नहीं है, आप कोई भी व्यक्तिगत मामला ले सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का मामला ले सकते हैं, जहां कोई गलत चीज होती है, कोई उसमें पाया जाता है, तो प्रॉब्लम पहले उन्हें ही होती है जो उसमें संदिग्ध पाए जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, अपने निजी कार्य से आज विभाग गया था, विधि विभाग, और जब मैं वहां से लौट रहा था तो छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा मुझे कहा गया कुछ बात करनी है। मेरे द्वारा उन्हें कहा गया ठीक है बात करो, तो उनके द्वारा कहा गया कि बुलाओ अंकित सुंदरियाल को जो मेरे खिलाफ बाइट दे रहा था। मैंने कहा बुला देता हूं। मैंने जब मौके पर अंकित सुंदरियाल को कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत कार्य से कहीं गया हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको जब ये जानकारी दी गई तो वो मेरे साथ में धक्का मुक्की, दो व्यक्ति वहां पे थे जिनके ऊपर संदिग्ध धाराएं कोतवाली पौड़ी में लगी हुई है, गैंगस्टर की धारा उनके ऊपर लगी हुई है, वो मेरे साथ धक्का मुक्की करने लग गए। मैंने उन्हें कहा मेरा उद्देश्य लड़ाई करना नहीं है, जो भी बात करनी है आप मेरे साथियों के आने के बाद मुझसे बात करें। तो मैं अपने विभाग के अंदर चला गया बैठने के लिए, तो फिर ये विभाग के अंदर दोनों लोग आने लग गए कि बात करनी है, बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा जब मेरे साथी आएंगे तो मैं बात कर लूंगा। जब मेरे साथी आ गए 15 मिनट बाद तो ये फिर वहां पर उनके साथ भी बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज का माहौल इन्होंने वहां पर कर दिया। पुलिस वहां पर उपस्थित थी, मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि इस प्रकार का माहौल हो रहा है, आप लोग वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद हुए। तो चीता पुलिस वहां पर मौजूद थी, उनके समक्ष जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, उसके बाद ये सब मेरे ऊपर टूट गए। एक अकेले व्यक्ति के ऊपर 7 से 8 लोगों ने हमला किया है। आप सोच सकते हैं कि एक अकेला व्यक्ति इस प्रकार वहां पर खड़ा रहा होगा, किस स्थिति में वो है और उसके ऊपर इस प्रकार का जानलेवा हमला किया गया, धमकियां दी गई कि मार देंगे, पौड़ी से बाहर नहीं जाने देंगे, केस करोगे, वकील खरीद देंगे, इस प्रकार का वहां पर वातावरण पुलिस के समक्ष किया गया। और मैं बता देना चाहता हूं, मुझे इन लोगों से खतरा है, यदि कल की डेट में मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, मुझे जानमाल की या हानि होती है, तो उसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे जो आज घटना में लिप्त पाए गए हैं। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, कुछ लोगों के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे द्वारा परिसर में छात्राओं के साथ बदतमीजी या उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई, उनके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा था तो विपक्ष ने चुनावी दौर में मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप तब भी लगाए थे और वो आरोप बेबुनियाद साबित हुए जब मैं जीत गया। आप खुद सोचिए, यदि मैं किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करूंगा, किसी बालिका किसी बहन के साथ इस प्रकार का मेरा रवैया होगा, तो क्या वो मुझे छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनते? सवाल ये है। आज भी मैं उस कैंपस में घूमता हूं, कोई बच्चा कोई छात्रा ये नहीं कह सकती कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है या इन्होंने मुझे अभद्र भाषा से पुकारा है। तो सभी लोग इसके साक्ष्य हैं, मैं इस चीज का विरोध करता हूं, ये सरासर गलत है। देखिए, मैंने प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया है कि तुमने पैसे खाए हैं, उनके व्यक्तिगत नाम के ऊपर मैंने ये आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा है जो भी लोग, चाहे वो परिसर के निदेशक हैं, छात्र संघ का कोई पदाधिकारी है या कोई अन्य नेता है, अगर जांच के बाद इसमें दोषी पाया गया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मेरे खिलाफ जो वो सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा यदि वे गलत साबित हुए। और अगर मुझे वो गलत साबित कर सकते हैं तो मेरी तरफ से वो
उनके लिए छूट है, आप कुछ भी करिए। जी कल एक न्यूज ऐप में और सोशल मीडिया में एक वीडियो हमने देखा था जिसमें उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैं ठेकेदार के साथ मिला हूँ और मैंने ठेकेदार से पैसे खाए, जबकि ऐसा कोई ठेकेदार ने स्वयं इस बात को थाने में आके बताया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है, जबकि इनके द्वारा उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उसके कार्य में बाधा डाली जा रही थी। जिन लोगों को इतना तक ज्ञात नहीं है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर किसी को आप किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की जानकारी आपको देनी, तो आपको VC के माध्यम से वो चीज़ें अमल में लाई जाती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप सेंट्रल से होता है। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि कहाँ से कार्य कैसे कार्य होना है, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि दिन में भारी वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर भीतर वर्जित होता है, इसलिए रोड पेंटिंग का काम रात को किया जाता है ताकि अव्यवस्था ना हो, ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो, जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मुझे तो पता ये समझ नहीं आता कि किस प्रकार ये विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने, किस प्रकार बच्चों ने इनको चुन के अध्यक्ष बनाया है, जिन लोगों को अपने विश्वविद्यालय की तक जानकारी नहीं है। और पूर्व में भी इनके द्वारा कई बार छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी समय छात्रों को प्रतिनिधि होने के नाते छात्र छात्राएं हमें बार बार इसकी शिकायत हमें करती थी, परंतु हम भी यह कदापि नहीं चाहते हैं कि किसी छात्रा का अनावश्यक रूप से नाम खराब हो और किसी के करियर में बात आए। परंतु जब आज जब हम विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पहुंचे, हमारे द्वारा जब इनसे बातचीत की गई कि आपने भैया ये आप हमारा पब्लिकली नाम ले रहे हैं, हम इसमें मान आने का दावा आप पे करेंगे, तो इनके उग्र होकर धक्कामुक्की हमारे साथ की गई। मेरे सहयोगी आस्कर राव जी के कपड़े फाड़ने का काम वहाँ पे किया गया, कपड़े फाड़ के धक्कामुक्की की गई है, और जिसकी हमने सीओ सदर को एक तहरीर दर्ज की है और थाना कोतवाली पौड़ी में भी हमने तहरीर दी है, जिसमें हम मानहानि का दावा भी इन पे करेंगे और मुकदमा भी दर्ज इन पे करवाएंगे। जी सर, हमने तो बातचीत करने के लिए बोला था, पर बातचीत में धक्कामुक्की हुई इनके आपस में, और इसी के बाद इन्होंने मेरा भी नाम दे दिया, मतलब कि इसने भी मेरे साथ धक्कामुक्की की। तो सर, अगर ऐसा ही है तो आप कॉलेज जाके दोनों के रिकॉर्ड देख सकते हैं कि बदनाम कौन है कॉलेज में, आप उनका भी रिकॉर्ड देखिए पिछले साल का, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, कि लड़कियां तो इतने तक परेशान है कि लड़कियां हमें तक बोलते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम भी बोलते हैं चलो क्यों किसी के साथ बिगाड़नी है ये सब, पर वो तो समझते ही नहीं है। आज भी उन्होंने बेमतलब मेरा नाम जोड़ रखा है, जबकि मैंने उनको हाथ तक नहीं लगाया, हम तो वार्तालाप करने गए थे कि बैठ के आराम से बातचीत करके बात सुलझा देते हैं, पर उन्होंने वही धक्कामुक्की शुरू कर दी। वहाँ भी विवाद ये रोड के चक्कर में हो रहा है कि अब उनके हमने ये रोड का काम कराया तो अब वो बीच में आ रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि वो किस वजह से आ रहे हैं, पर वो काम रोकना चाह रहे हैं। अब वो तो उन्हीं को पता होगा कि वो काम क्यों रोक रहे हैं बीच में आके, जब उन्होंने अपना कार्यकाल सही नहीं किया तो दूसरे का भी खराब कर रहे हैं। देखिए, जो PGR परिसर में आज एक प्रकरण प्रकाश में है जिसमें दो छात्रों के गुटों के बीच आपसी मारपीट का और गाली गलौज का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो है कुछ सड़क को लेकर कोई विवाद हुआ है उनका आपसी, तो उस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा जो है हमारे कार्यालय में आकर भी और थाने में भी तहरीर दी गई है, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।